नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस सत्र में बतौर खास हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और उससे भी चार कदम आगे बहुत ही दिलचस्प टॉपिक। क्या है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले आप क्लास सब्जेक्ट जान लीजिए, वो है सोशल साइंस। क्लास है कक्षा 10 और टॉपिक मनी एंड क्रेडिट, जिसका हम पार्ट 1 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, 8800440559। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ये एक और दूसरा उपाय है, स्रोत है कि जहां पर आप अपने विचारों को भेज सकते हैं, dts.class10@cit.nic.in। इस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए आप पीएमई विद्या के चैनल नंबर 10 से मुखातिब हो सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज जारी है। हमारे साथ मुंबई रीजन कुलावा से जुड़ रहे हैं श्री शंकर प्रसाद शाह जी, जो कि पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं और पिछले साल पिछले मंथ वर्कशॉप में दिल्ली इनका आगमन हुआ था, उनसे मुलाकात हुई थी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाह सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, थैंक यू सर। चलिए, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट के ऊपर। एक तो देखिए मनी है और क्रेडिट है, दोनों चीज़ें एक साथ आप लेकर इस मर्म को आए हैं, जो कि बड़ा मुश्किल सा होता है। धूप और छांव को कहें कि एक साथ चले तो बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो चलिए इस अवधारणा को समझ लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें, फिर हम आगे की बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले पीएमई विद्या चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर ये टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए इसको दो भाग में बांट कर, पार्ट 1 पार्ट 2 ये दो भाग में बांट करके हम लोग प्रकाश डालेंगे सर। तो फर्स्ट पार्ट में हम मनी को लेकर चलेंगे, मनी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे सर। जी तो पावर पॉइंट के सहारे कुछ हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे आगे की बातें। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैं प्रोसीड सर? जी यस। Before initiating the chapter, I would like to एक मिनट। कोई बात नहीं, चलिए तब तक मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि राष्ट्रीय कला उत्सव इस समय जारी है, जो कि भारतीय सभ्यता की संगीत से जुड़ी जितनी भी असनाफ हैं, वाद्य यंत्र हैं, उनसे जुड़ी जो विधाएं हैं, उनका अगर आपको लाभ उठाना है, वो भी घर बैठे। कितनी अच्छी बात है कि आपको कहीं पर जाना नहीं है, वहां पर बैठकर आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। उसकी भी सूचना मैं आपको दूंगा कार्यक्रम के अंत में, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि तीसरा जो वेरियंट है वो काफ़ी ख़तरनाक है। आपको घर पर रहकर ये सारे एहतियात बरतने हैं और अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो कुल मिलाकर काम वही पिछले सारे करने हैं, नई कोई बात इसमें है नहीं, लेकिन डरने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। मनी और क्रेडिट से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप एक बार दोबारा मैं आपको जानकारी दे दूँ, जिन्होंने मुझे देर से ज्वाइन किया है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर। टेलीफोन नंबर है 8800440559। आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप ज़रूर फ़ोन करें और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करें। क्लास बाय क्लास, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो हम सेशंस आप सभी के लिए लेकर आते हैं एनसीईआरटी के सौजन्य से। एक मेल आईडी भी है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ चलते चलते, dth.class10@cit.nic.in। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री शंकर प्रसाद शाह जी। शंकर जी, अब फिर से आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, इस चैप्टर को हम एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे सर। जी चलिए, ये फ्लो डायग्राम देखा जाए, मॉडर्न एज इज एज ऑफ मनी और मनी मॉनेटरी एज, दिस इज लिंक्ड टू बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट क्रिएशन टू अर्न द प्रॉफिट। तो आज हम चर्चा करेंगे सर, ये इस चैप्टर का नाम इसलिए मनी एंड बैंकिंग रखा गया है कि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ द मनी। तो इस पार्ट 1 मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन फोकस हमारा रहेगा सर मनी पर। ओके सर? जी हाँ जी। नाउ प्लानिंग अहेड, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बार्टर सिस्टम मीनिंग एंड डिफिकल्टीज पर, एवोल्यूशन ऑफ मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी एंड फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी।
इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। कमिंग टू बार्टर सिस्टम, सर बार्टर सिस्टम इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। के अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं के साथ होता है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मीन्स कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण उसे छोड़कर मनी का क्रमागत विकास हुआ। कौन कौन से ये प्रॉब्लम थे? द मेजर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम आर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आवश्यकताओं के दोहरे संजोग का अभाव। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम है। राम के पास गेहूं है, श्याम के पास चावल है। राम गेहूं देकर श्याम से चावल लेना चाहता है, लेकिन श्याम चावल देकर गेहूं लेना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में दो वस्तुओं का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता था, जिसके कारण ट्रेडिंग कॉस्ट, सर्च कॉस्ट और डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग बढ़ जाता था। कभी कभी तो ऐसे होते थे कई महीने लग जाते थे, जिसके कारण क्या होता था, लोगों की आवश्यकताएं ही बदल जाती थी, तो काफ़ी परेशानी होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो दूसरे जो इसके महत्वपूर्ण समस्याएं थी वो लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। परचेजिंग पावर को मापने का कोई एक सामान्य पैमाना नहीं था बार्टर सिस्टम में, जिसके कारण बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज में परेशानी होती थी, कठिनाइयाँ होती थी। तीसरे जो इसके मेन प्रॉब्लम्स थे वो था स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम चूंकि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु के रूप में करते थे, पेरिसेबल गुड्स भी होता था, कभी कभी एनिमल का भी हम लेन देन करते थे, तो उसको उसके जो वैल्यू हैं वो स्टोर नहीं रह पाता था, जिसके कारण बार्टर सिस्टम में काफ़ी अधिक परेशानियाँ होती थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट, जैसे इंटरेस्ट लोन पर हम लगाते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इसमें दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में, जिसके कारण हम लोगों ने, मनुष्य ने मुद्रा का क्रमागत विकास किया और मुद्रा सामने आया। लास्ट है लैक ऑफ डिवाइजिबिलिटी, कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते थे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्कूटर के बदले में हम कार देना चाहते हैं, तो एक स्कूटर की कीमत कार के कीमत वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता था, तो हमको कार को डिवाइड करना होता था। अगर कार को हम डिवाइड कर दें वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, अपना यूज खो देगा, ऐसी स्थिति में विभाजन संभव नहीं हो पाता था और बार्टर सिस्टम में परेशानी होती थी। इसलिए मनी का क्रमागत विकास हुआ सर, और ये जो मनी का क्रमागत विकास हुआ, सबसे पहले कमोडिटी मनी का मनी सामने आया, और हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस किस कमोडिटी का प्रयोग मनी के रूप में किया गया। कीमती मोती, मोतियाँ, प्रीसियस स्टोन्स, कॉ, लेदर इत्यादि कई ऐसी चीज़ें थी जिसको कमोडिटी मनी के रूप में यूज किया गया, और इसका व्यवहार 17वीं शताब्दी तक हुई, और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेटेलिक मनी पर हम चले आए, धात्विक मुद्रा। और इस के अंतर्गत गोल्डन क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस और कॉपर क्वाइंस काफ़ी पॉपुलर रहा। सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के और तांबे के सिक्के, और ये 1930 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इसकी आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गईं कि विश्व स्तर पर सोने का, चांदी का और तांबे का उत्पादन उतना नहीं हो पाया जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो धीरे धीरे हम बढ़े पेपर मनी की ओर, जो आज हम पेपर करेंसी यूज करते हैं, तो पेपर मनी की ओर हम बढ़े। आप यहाँ स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, हमने 1 रुपये का नोट दिया है और 100 रुपये का नोट रखा है। इसका भी एक उद्देश्य है सर, 1 रुपये का जो नोट है उसका सिग्नेटरी जो होता है वह वित्त सचिव होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 2 रुपये और 2 रुपये से अधिक के डिनोमिनेशन के जो पेपर करेंसी होती है उसके सिग्नेटरी होते हैं गवर्नर
ऑफ आरबीआई, इससे संबंधित भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने ये दो नोट को यहाँ पर रखा है जिससे कि हम बता पाएं। और उसके बाद बैंक मनी और क्रेडिट मनी, जो ड्राफ्ट, चेक ये सब हम यूज करते हैं, ये बैंक मनी और क्रेडिट मनी का ही रूप है। और अभी ये प्लास्टिक मनी का युग आ गया है। हम सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात कही। अच्छा शायद सर मैं आपको यहीं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि मेरे जहन में एक छोटा सा प्रश्न आया है, मैं चाहता हूँ कि चूंकि ये बहुत सही समय है इस प्रश्न को रखने का। एक ट्रेडिशनल मनी की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी, एक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे। अगर दोनों को मैं एक साथ रख के एक दूसरे के मुखालिफ रखूँ तो फिर उनमें बेसिकली एक अंतर क्या निकल कर सामने आया? जो आपने बताया सिक्के चलते थे, पहले तो आहत मुद्राएं चलती थी, उसके बाद सोने का सिक्का, तांबे का जीता लाया, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई मुद्राएं आई, इतिहास को अगर आप टटोलें तो वहां से लेके यहां तक काफी चेंजेस आए हैं। उन दोनों को एक साथ रखने पर क्या विशेष अंतर हम पाते हैं? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रख देता हूँ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी। थैंक यू सर, बहुत सटीक क्वेश्चन आपने पूछा है और बहुत ही सही समय पर पूछा है। यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं सर मेटेलिक मनी, एक्चुअली ये सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का ट्रेडिशनल मनी है। और उसके बाद पेपर मनी से लेकर प्लास्टिक मनी तक जो हम दिखा रहे हैं ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये है सर कि ट्रेडिशनल मनी हैज इट्स ऑन वैल्यू, लेकिन ये पेपर मनी हैज नो वैल्यू एज ए कमोडिटी। सर ट्रेडिशनल मनी तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के और सिल्वर के सिक्के हैं, इसका अपना वैल्यू है एज ए कमोडिटी। लेकिन ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, पेपर मनी, बैंक मनी और प्लास्टिक मनी, इसका एज ए कमोडिटी कोई वैल्यू नहीं है सर। यही बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में। ओके सर, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जी। तो ये प्लास्टिक मनी के रूप में हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम या स्वाइप मशीन को हम यूज करते हैं। तो आज वैसे पहले भी प्लास्टिक मनी का यूज हम करते थे बैंक मनी के साथ साथ, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया और आह्वान किया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन के जगह पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए, तो उस समय से ज़्यादा हम प्लास्टिक मनी का यूज हमको देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं मनी के परिभाषा के ऊपर। वैसे मनी का परिभाषा, मुद्रा का परिभाषा देना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन वो सारे के सारे या हम यूँ कहें कि अधिकांश परिभाषाएं उनके फंक्शंस पर आधारित हैं। लेकिन उसमें से जीडीएस पोले के द्वारा दिया गया जो परिभाषा है वो बहुत ही पॉपुलर रहा है, और इसके आधार पर मनी इज एनीथिंग और एवरीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है सर कि जो भी डिफिकल्टीज था बाटर सिस्टम का, वो सारे डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने का कोशिश, उसको सॉल्व करने का कोशिश है मनी के रूप में किया गया है। मनी अपने आगमन के साथ बाटर सिस्टम के सारे कठिनाइयों को दूर करने का कोशिश किया है। आप इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो कहा गया है कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड एंड स्टोर। और इस आधार पर हम देखते हैं, हम पाते हैं कि चार बेसिक फंक्शंस हैं इसके, इसके अलावा भी फंक्शंस हैं मनी के, लेकिन ये चार बेसिक फंक्शंस हैं। नंबर वन, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर टू, मनी इज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट एंड लास्ट वन इज मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर कि कौन कौन से मेन फंक्शंस है मुद्रा के और कौन कौन सा सेकेंडरी फंक्शंस है मुद्रा के। तो यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास किए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको जानने का प्रयास किए हैं। मेन फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस मींस मेन फंक्शंस, इनिशियल लेटर मेन का एम होता है सर, और एम से जो भी स्टार्ट होता है फंक्शंस मनी के सभी मेन फंक्शंस हैं। आप देखें ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों जो है ये प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के। एंड कमिंग टू सेकेंडरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एस से शुरू होता है और एस से जो भी फंक्शंस हैं मनी के सभी सेकेंडरी फंक्शंस हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इससे इस स्लाइड को देखकर बच्चे को थोड़ा सा ये समझ में आएगा और गलती नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चार ये जो फंक्शंस हैं मनी के,
तो सेकेंडरी और प्राइमरी फंक्शन में वो कंफ्यूज करके कोई भी फंक्शन किसी में लिख देते हैं, लेकिन ये स्लाइड देखने के बाद हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर हम डिफिनेशन ऑफ मनी को देखें सर, तो इंटायर डिफिनेशन ऑफ मनी को दो भाग में बांट के बताया गया है, नंबर वन लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी और सेकेंड वन इज फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द लीगलिटी ऑफ द कंट्री एंड फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द मनी। व्हाट इज द लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी? द लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज। कानून के आधार पर कानून जिस चीज को मनी मान लेता है हम उसी को मनी मान लेते हैं, इसलिए इसको लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी कहा जाता है। लेकिन कमिंग टू फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी, दिस इज द फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। अगर हम टाइप ऑफ मनी में आते हैं, मुद्रा के प्रकार में आते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं सर, फिएट मनी, फिडुसरी मनी, टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, फुल बॉडीड मनी, डियर मनी, नियर मनी, लेकिन टेंथ क्लास के जो सिलेबस में है वो फिएट मनी या फिडुसरी मनी तक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिएट मनी फिडुसरी मनी को लिया है। फिएट मनी वह मनी होता है जो देश के जो कानून होते हैं, जो लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड, उसको जिसको मनी मान लेता है उसको हम फिएट मनी बोलते हैं। इसलिए ये एग्जांपल में पेपर करेंसी एंड क्वाइंस है, इसको हम फिएट मनी मनी एनीथिंग व्हिच इज ट्रीटेड एज मनी एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, इसको फिएट मनी बोलते हैं। एंड आप इसको देखा जाए, यहाँ पर जो क्वाइंस और पेपर मनी है ये फिएट मनी है। अब फिडुसरी मनी, फिडुसरी मनी डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर्स एंड पेई, इसका एग्जांपल होता है ड्राफ्ट एंड चेक। ये पेयर्स और पेई के बीच में जो विश्वास होता है उसके आधार पर जो मनी के रूप में काम करता है, जैसे ड्राफ्ट एंड चेक, इसको हम फिडुसरी मनी बोलते हैं। नेक्स्ट ये चेक एंड ड्राफ्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर कि मुद्रा का महत्व नहीं है। मनी हैज मेड आवर इकोनॉमिक लाइफ वेरी इजी। मनी मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बट विदाउट इट नथिंग कैन बी प्रोड्यूस। मनी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने आप में, लेकिन इसके बिना हम प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ मनी कंज्यूमर्स मेक पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी प्रकार से प्रोड्यूसर के बारे में अगर देखें, विद द हेल्प ऑफ मनी प्रोड्यूसर्स कैन बाय रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। उसके बाद सर यहाँ देखा जाए, विद द हेल्प ऑफ द मनी गवर्नमेंट रियलाइजेज ऑल टैक्सेस, फीस, फाइंस, पेनाल्टीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मनी में कोई कमी नहीं है, कोई खामियां नहीं है। मनी के बारे में कहा गया है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये हमारी सेवा कब करता है, किस रूप में सेवा करता है। मनी कैन सर्व मैनकाइंड इफ इट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। अगर ये नियंत्रण में रहता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है, ये रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट या कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा ये रेगुलेट अगर किया सही ढंग से किया जाता है, ये मनी इज ट्रीटेड एज ए गुड सर्वेंट। बट इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल देन इट कैन लीड टू डिजास्टर कंसिक्वेंसेस, यानी कि ये बैड मास्टर का काम करता है। इसलिए मनी का यूज बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए इसको एंड मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट सर। वेल मिस्टर शाह, हमारे पास 5 मिनट का समय बाकी है और 2 प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई थिंक जो विद्यार्थियों की समझ के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ में हम सब भी इसको एक साथ समझना चाहेंगे। मनी सर्कुलेशन की हम बात करते हैं, आखिर हमें मालूम नहीं चलता कि उसका स्रोत है, पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ, आखिर वो सर्कुलेट कहाँ हुआ। तो अगर सीधा सीधा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज यू नो सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो इसके क्या मायने होंगे, कैसे हम इसको समझें। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। सर्कुलेशन ऑफ मनी को हम समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए डायग्राम देखा जाए सर, सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये एक्चुअली ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम मैंने दिया है। वैसे 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होते हैं, लेकिन 10th क्लास में 2 सेक्टर इकोनॉमी तक ही है सर। हाउस होल्ड एंड फर्म्स, देर आर 2 सेक्टर्स हियर। आप बीच में बैंकिंग सिस्टम है। हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विस टू द फर्म्स एंड इसके बदले में फर्म्स प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। तो ये जो पेमेंट है फर्म से फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ये मनी फ्लो है सर, इनकम फ्लो है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड।
फिर हाउस होल्ड क्या करता है सर, हाउस होल्ड परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स, हाउस होल्ड परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स, तो परचेज जब करता है तो फर्म्स पे करता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म्स, हाउस होल्ड पेमेंट करता है फर्म्स को, तो इस तरह से देखा जाए फर्म से मनी का सर्कुलेशन हुआ हाउस होल्ड के पास, फिर हाउस होल्ड से मनी का सर्कुलेशन हुआ फर्म के पास, और इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोलते हैं सर। यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम बीच में आता है, फर्म बोरोइंग भी कर सकता है बैंकिंग से, सेविंग भी कर सकता है बैंकिंग में, बैंक में, उसी प्रकार से हाउस होल्ड भी बोरोइंग कर सकता है और सेविंग कर सकता है। ये जो सर्कुलेशन होता है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म, ये कहलाता है सर्कुलेशन ऑफ मनी सर। राइट। अच्छा, एक एक और भी एक कॉमन वर्ड हम सुनते हैं, बेटर बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या है, उसके मतलब जो इनिशियली फीचर्स हैं वो भी जल्दी से एक बार हम समझ लेते हैं। जी जी, बार्टर सिस्टम बेसिकली दिस इज द डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी विदाउट यूजिंग द मनी। मनी को यूज किए बिना हम वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, एक वस्तु देते हैं दूसरे वस्तु को प्राप्त करते हैं, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, इसलिए इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा गया। लेकिन इसके जो बेसिक और एसेंशियल कठिनाइयां जो होती हैं, फीचर्स जो होता है, वह होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो होते हैं, आवश्यकताओं के दोहरे संजोग का अभाव, दो व्यक्ति के पास वस्तु रहने के बावजूद भी दोनों व्यक्ति एक दूसरे का कमोडिटी को आदान प्रदान करे, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक व्यक्ति के पास गेहूं है, एक व्यक्ति के पास चावल है, एक व्यक्ति गेहूं देकर चावल लेना चाहता है लेकिन दूसरा व्यक्ति चावल देकर के गेहूं लेना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में बार्टर सिस्टम में कठिनाइयां होती थी। ये दिस इज द एसेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम सर। एक लाइव प्रश्न आया है, धीरेन्द्र दुबे जो हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, बहादुर से पूछ रहे हैं कि व्हाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्ड एज मनी। कक्षा 10 के ये छात्र हैं धीरेन्द्र जी, इनका प्रश्न आई थिंक आप तक पहुंच गया होगा। हाँ जी, डिमांड डिपॉजिट जो है सर वो क्रेडिट क्रिएशन है, वो कंसिडर्ड एज ए मनी नहीं है। ऐसा है कि जब टोटल मनी की बात हम करते हैं, टोटल मनी सप्लाई की बात करते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं, तो उसमें जो होता है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो व्यक्ति के पास, जैसे हमारे पास स्टॉक में जो भी मनी है वो, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है वो अभी पब्लिक का ही है सर। इसलिए पब्लिक के पास बेसिकली ये मनी सप्लाई, पब्लिक के पास जो भी पैसा है वो मनी सप्लाई के अंतर्गत आता है, चाहे वो बैंक में है चाहे वो मेरे अपने पास में है, ये मनी नहीं है, ये मनी सप्लाई है सर। जो बच्चों ने पूछा है उनको बताया जाए, उसको हम बताना चाहेंगे कि मनी सप्लाई का मतलब होता है मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति एक इकोनॉमी में कैसे होता है, वह होता है दो तरीके से, या करेंसी कंपोनेंट के द्वारा या डिपॉजिट कंपोनेंट के द्वारा। करेंसी कंपोनेंट्स में आता है पेपर मनी और क्वाइंस जो जनता के पास में है, और डिपॉजिट कंपोनेंट्स में आता है जो नेट डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास में है पब्लिक का। बिल्कुल। तो धीरेन्द्र जी, मैं समझता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी जितने दर्शक हैं वो भी धीरेन्द्र जी की तरह अपने सवालों को पूछ सकते हैं जो टेलीफोन नंबर दिया था। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने सवाल को यहाँ पर रखा, और यही हमें चाहिए भी कि आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमारे सामने ज़रूर रखें। शाह जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जाते जाते नए वर्ष के उपलक्ष्य में, हालांकि यस खतरा एक बार फिर से सिर उठा हमारे सामने खड़ा है, फिर भी कोई एहतियातन रूपन कोई एक मैसेज अगर आप हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों को देना चाहें। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ सर, सबसे पहले गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी SOP है वो मस्ट बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें, मास्क अवश्य पहनें, और समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, और इस क्रूशियल टाइम में आप कैसे अपने आप अपने भविष्य को बेटर बना पाएँ उसके लिए हमेशा सोचते रहें, और अधिक से अधिक टाइम आप डिवोट करें, एस्पायर करें टुवर्ड्स द सेल्फ स्टडी। चलिए, एक सूचना मैं भी आपको दे देता हूँ, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई से आप थोड़ा सा बोर हो गए हैं, कुछ अतिरिक्त करना चाह रहे हैं, तो फिर ये सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कला उत्सव जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 12 जनवरी तक मसलन ये कंटिन्यू रहेगा,
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर एनसीईआरटी के सौजन्य से 1 से 12 जनवरी 2022 तक कला उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें और भारतीय संगीत, भारतीय नाट्य, भारतीय वाद्य कला से संबंधित जितनी भी असनाफ हैं, विधाएँ हैं, उनका आप घर बैठे आनंद उठा सकते हैं, अपने मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। कहते हैं कि संगीत आपके जीवन में प्राणदायिनी एक विधा है, बिल्कुल है। आप जब बोर होते हो तो थोड़ा सा आप संगीत सुने, यहाँ पर तो सारी चीज़ें हैं। एक परफॉर्मेंस शुरू से लेकर अंत तक चल रहा है, जो कि कंटिन्यू रहेगा नवरत्न 12 जनवरी तक, जरूर उसको आप देखिए, उसके साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए, मनी एंड क्रेडिट से संबंधित इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे विद्यार्थियों के लिए, दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अगला सेशन है वो है साइंस से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, जहाँ पर हम समझेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट 1। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ।